हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं बॉर्डर डिजाइन, ये अपने फोन में आपने कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पे जाना है। जैसे मैं ये देखो अपने प्ले स्टोर पे चला गया हूँ। प्ले स्टोर पे जहाँ पे डालना है फ्रेंड्स राउंड लाइट RGB, जैसे हम डालेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जी। मैंने पहले से इंस्टॉल करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के इंटरफेस दिखाई देगा, कुछ परमिशन अलाउ मांगेगा, इसको हमने अलाउ कर देना है। ठीक है फ्रेंड, जैसे हम अलाउ कर देंगे तो जहां से जाके हमने एक क्रिएट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, ये कैसे करते हैं मैं कंप्लीट दिखाने वाला हूँ जल्दी जल्दी। ये देखो फर्स्ट, सबसे पहले इसका कोई भी नेम दे देना, जैसे ट्रिपल ए दे दिया, उसके ओके क्रिएट कर दिया। उसके बाद कुछ इस तरह से कुछ इसमें ऐड आती रहती है, इस ऐड को हम क्या कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद फ्रेंड कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां ये दिखाएगा भी बॉर्डर लाइन कैसी लेनी है आपने। जहां से मैं पूरी दिखाता हूं, फिलहाल मैं लर्निंग वाई दिखा देता हूं। तो जहां पे डिफॉल्ट इमोजी वगैरह भी आ जाएगा, क्या करना है हमने वाई डिफॉल्ट ही रखना है। और जहां पे हम कोई भी एक वाल पेपर ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जहाँ पे आप कोई भी एक वाल पेपर, जैसे मैंने ये वाल पेपर ले लिया है। अभी ये एनिमेशन की स्पीड है, जहाँ से आप कम ज़्यादा स्पीड कर सकते हो, और जहाँ बॉर्डर का साइज है आप कितना छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हो, और ऊपर से राउंड आप कितना कर सकते हो, ये आप दिखाई दे रहा है। इससे जहाँ आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और जहाँ से आप इसका साइज कैसे करना चाहते हो वैसा आप इसमें ऐसे कर सकते हो। उसके बाद हमने जहाँ से क्रिएट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो ये क्रिएट हो गया। अभी हम होम पे आएंगे, जैसे हम इसको ओपन कर लें तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। और उसके बाद जहां से ये अनेबल वॉलपेपर का परमिशन मांगेगा फ्रेंड्स, आपने अनेबल इसको कर देना है। तो उसके बाद अनेबल ओवरले अदर ऐप, इसको भी हमने ओके कर देना है। इसके अलावा ऐसा है भी जब भी हम कोई भी चीज़ खोलेंगे तो इसके ऊपर भी ये वॉलपेपर हमको दिखाई देगा। उम्मीद करता फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।